कंपनी प्रमोशन बाय मंजीत कुमार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिवान शहर में एक कंपनी है जिसका नाम है आनंद टेक्निकल एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसका एड्रेस है दुर्गा राय प्रसाद कॉलेज से दक्षिण साइड में कंदवारा बाईपास रोड विक्रम नगर सिवान बिहार। दोस्तों आज इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से बात करेंगे जिनका नाम है राजकिशोर यादव, जो कि इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और बहुत ही मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना समय हमारे चैनल को दिया। सो थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बढ़िया। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे चैनल पे आए, और आप सबसे पहले इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताइए और टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, आनंद टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। तो आनंद टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी 2007 से दे रहे हैं ट्रेनिंग, अभी तक दे रहे हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद आदमी जो है इंटरव्यू, क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं आप लोग यहाँ? ट्रेनिंग जो है सिविल से लेके मैकेनिकल से लेके और ऑपरेटर ड्राइवर तक का सबका ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, जिसमें सिविल में हो गया आरसीसी मेसन सेटरिंग कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर पाइप फिल्टर डक्टमैन इंसुलेटर ये सब हो गया, जेसीबी ऑपरेटर सावल ऑपरेटर पोकलेन ऑपरेटर बुलडोजर ग्रेडर ऑपरेटर ये सब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जो भी रहता है कॉस्ट बिल्कुल हमारे यहाँ कम रहता है ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग देने के बाद के ट्रेनिंग के दौरान आपके ये कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं? वो तो लड़का जो पढ़ा लिखा रहेगा उसका थोड़ा जल्दी हो जाता है, जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा रहता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर भी समथिंग महीना के आसपास तो ट्रेनिंग हो जाता है। अच्छा, मतलब महीना दो महीने में ट्रेनिंग कंप्लीट करा जाता है? कंप्लीट हो जाता है। कुछ लड़के ऐसे भी आते हैं कि जो कि 20 से 25 दिन में ट्रेनिंग अपना पूरा कर लेते हैं, कुछ लड़के ऐसे भी आते हैं कि 1.5 से 2 महीना तक भी लग जाता है ट्रेनिंग के लिए। जी जी। तो हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, और यहाँ मेरे यहाँ डेलीगेशन भी आते हैं बाहर कंट्री से इंटरव्यू करने के लिए, तो जो लड़का सक्षम रहता है जाने के लिए तो वो अपना टेस्ट देता है। मतलब आप ट्रेनिंग करवा के बच्चों लोग ट्रेनिंग करवा के उनको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करके जी जी विदेश में आप जॉब के लिए भेजते हैं? जी जी बिल्कुल। क्लाइंट इंटरव्यू यहाँ पे होता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी जो इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग सेंटर है कितने सालों से चल रहे हैं? 2007 से अभी हम लोग चालू किए, अभी ये अपना 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो लमसम तो 12-15 साल हो गए, 12-15 साल हो गए। मतलब कुछ काम कर रहे हैं अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या आपको फेस करना पड़ा, किस मतलब कैसे आप सिवान के युवाओं के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं आप? हम लोग तो ऐसे अपना जो भी गरीब तत्व के आदमी है उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं कम शुल्क पैसा लेके, और ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट भी देते हैं, अपना सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आनंद टेक्निकल का, और उसके बाद सर्टिफिकेट का मान्य भी गल्फ में होता है, तो क्या नाम है ऑनलाइन मान्य होगा क्योंकि आप 12 इतने साल से काम कर रहे हैं, तो बाहर में जब इतने मतलब रिक्वायरमेंट गए होंगे आपके पास से, तो जाहिर सी बात है आपका नाम वहाँ पे हो चुका होगा। बिल्कुल हो चुका है। तो जो और नए लोग जुड़ेंगे, जो नए युवा जुड़ेंगे आपसे यहाँ, तो उनका रिव्यू बहुत बेहतरीन रहेगा मार्केट में। हमारा विशेष तौर से यही काम रहता है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जी। ट्रेनिंग में लड़के को बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं, पढ़ाते हैं, और उसके बाद खुद जॉब पे भी ले जाते हैं, जॉब भी कराते हैं, करके जब सर्टिफाइड हो जाते हैं तब उनको सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, कोई मतलब अच्छा आप एक चीज सुनने में आता है कि जो लड़का बाहर जाना चाहता है मैट्रिक कम से कम करके ही जाएगा, कि मैट्रिक के बाद अगर मान लीजिए कोई गांव के बच्चे जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो 8वां नौवां तक पढ़ा हो, मैट्रिक का एग्जाम ना दिया हो, तो उसका पासपोर्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये तो बनाने वाले इसको तय कर सकते हैं कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हम लोग का सिर्फ काम है ट्रेनिंग दिलाना, ट्रेनिंग दिलाना, ट्रेनिंग दिलाना, ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग दिलाने के बाद सर डेलीगेशन आता है, वो तय करता है कि हम ECR लेंगे कि ECNR लेंगे। वो कैंडिडेट अगर उसके योग्य है बोलेगा कि हाँ हम जाएंगे, तो डेलीगेशन से बात करेगा अपना कि ये पगार है, ये कंपनी है, ये टाइप का उसका वहां का जो है रहने के लिए है। वो कैंडिडेट बोलेगा कि हाँ हम जाएंगे, तो वो डेलीगेशन प्रपोजल के साथ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, फिर वो एग्रीमेंट करेगा, फिर उसको बोलेगा कि ठीक है आपका हम वीजा बनाएंगे, फिर आप आ जाओ। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा से बात करके। तो दोस्तों अपने देखा कि ये जो आनंद टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंटर है, यहाँ पे बच्चों लोग जो मतलब बच्चे आजकल 10 पास हो चुके हैं, 12 पास हो चुके हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं कम समय में, आप ट्रेनिंग करके और कम समय में जॉब पा सकते हैं फॉरेन के लिए। फॉरेन में आप डिफरेंट डिफरेंट वे में जा सकते हैं, दुबई, सऊदी, कतर, बहुत सारे मतलब जो गल्फ कंट्री है, अनदर कंट्री के भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह से सवाल हो, जवाब हो या कोई क्यूरी हो, प्लीज़ इस कॉन्टेक्ट पे आप
संपर्क बना सकते हैं, सर का नंबर भी रहेगा, स्क्रीन पे आप लोग कर सकते हैं और प्रोफाइल भी दिया जाएगा, इसका भी रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग से जल्द से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने इंक्वायरी यहाँ पे आए और अपने इंटरव्यू